सो हेलो गाइस, सो के सैलरी चैनल ने अपने ब्लॉग में बताया जो उनके विनय भाई जो कि उनके फ्रेंड है, उनके ग्रुप में मेंबर है, वो भाई साहब दो न्यू कार लेने वाले हैं, वो भी एक साथ। और वहाँ पे बताया कि वो एक्स्ट्रा कार लेने वाले हैं, गाड़ियाँ लेने वाले हैं, क्योंकि एक बंदा एक ही टाइम में एक ही गाड़ी वगैरह चला सकता है, लेकिन वो भी दो सेम गाड़ी ले रहे हैं। मतलब कि कंपनी अलग अलग हो सकती है बट सेम ही है दिखने में, तो ले रहे हैं। और ये मतलब कि लोकेश कटारिया के ब्लॉग में बताया गया। आज गाइस गाड़ियों की डिलीवरी होने वाली है। गाड़ियों की मैंने इसलिए बोला क्योंकि दो गाड़ियों की डिलीवरी हुई आज, एक विनय भाई की और दूसरी विनय भाई की। मोटा पैसा भाई। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? दो गाड़ी ले रहे हैं भाई, रिवील करेंगे ये भी बता दो। अरे बताओ ना। दो है, दोनों इलेक्ट्रिक ले रहे हैं भाई। आई एम यू नो हेल्पिंग द नेचर, पोल्यूशन बचा रहे हैं हम दोनों इलेक्ट्रिक। कौन सी है? एक MG ZS EV। आपके पहले भी तो एक इलेक्ट्रिक थी, वो खत्म हो गई ना, वो टोटल लॉस हो गई यार। दोबारा भाई नहीं ले रहे हैं। हाँ नहीं ले रहे। और दूसरी MG विंडसर। ये कौन ले रहा है? ये भी मैं ले रहा हूँ। मतलब दो दो। हाँ वाह। और पार्टीज की? पार्टी भाई 30 सेकंड में ले लेंगे। 30 सेकंड वहीं पे कुछ गर्म पीने का मेरा जी है, कॉफी काफी हॉट चॉकलेट पियेंगे वहाँ, बढ़िया बैठ के थोड़े भाई बात का। तो उसको बोल दे, नहीं बोल दिया? बोल दिया होगा, वो भी पहुंच रहा है। तो यहाँ पे जो ये दो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं उन पर आपका क्या ओपिनियन, क्या राय है, कमेंट में जरूर बात करना। साथ ही अब हम बात करते हैं भाई साहब कीर्ति मेहरा के बारे में। तो आपको पता होगा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी एलविश यादव के घर की, उन्होंने स्टोरी वगैरह लगी थी, ऐसा सबका कहना था। बट वो एलविश यादव का घर नहीं है, फोटो में उसका ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है बट वो नहीं है। और रिसेंटली भाई साहब उस पोस्ट के बाद मतलब कि अभी फिर से मतलब कि कॉन्ट्रोवर्सी के होने वाली है, क्योंकि फिर से री अपलोड वगैरह ट्विटर पर ये फोटो अपलोड किए जा रहे हैं फैंस के द्वारा। और यहाँ पर कीर्ति मेहरा ने अपना व्लॉग अपलोड किया जहाँ पे मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला कि मतलब कि एलविश यादव की जैसा उनका घर है और उनका न्यू घर बनने वाला, क्या पता हिंट देते हुए उन्होंने मतलब कि ये फोटो अपलोड किया हो या फिर स्टोरी लगाई हो। बाकी अपने व्लॉग में मतलब कि कीर्ति मेहरा ने घर के बारे में बताया जहाँ पे एलविश यादव की तरह सेम घर नहीं है और वो अलग देखने को मिल सकता है। आप देखिए उनका व्लॉग का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें ही फिनिशिंग वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद इंटीरियर वाला भी बैठेगा। और इसके बाद जो हमारा सबसे है, हर रूम में बालकनी कनेक्टेड है, जो मेरे को चाहिए था कि मेरे पास बालकनी ज़रूर हो। तो यहाँ से हमारी बालकनी है एंड यहाँ पे पूरा अभी व्यू है, वो रहा सामने पार्क है, तो बैंकॉक के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। और उस साइड पे जो है सीधा रोड है, मतलब सर्विस लेन देन रोड। तो अभी हमने पूरे सारी चीज़ें देख के करवा ली हैं। इसके बाद अभी जो काम बचे हैं वो बचे हैं छत का काम। छत में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि छत पे हम कुछ स्पेशल। सो गाइस, इस अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपका ओपिनियन जो भी है कमेंट में जरूर देना। बाकी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करता है। मिलते हैं जियो न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो के साथ।